अभी जस्ट नहाया है मैंने और आज तो ठंड बहुत ज़्यादा वाली हो रही है। आज है ना रात के 11 बजे से लेकर के और सुबह के 5:30-6 बजे तक है ना बारिश लगातार कंटिन्यूसली होती रही होती रही होती रही। आज मैं उठी हूँ 7:30 पर, क्योंकि हस्बैंड जी के सिर में दर्द हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना नहाया तो ही बाद में करी हो, ठंड हो रही है, पहले तो मेरे ना बाम लगा दे, और पैर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने फिर उनके बाम लगाई, सर दबाया थोड़ी देर, फिर बाम लगा करके पट्टी बांध के, फिर थोड़ी देर पैर दबाए, फिर उसके बाद में मैं नहाते नहाते मुझे 7:30 हो गए, अरे 7:30 बजे उठी मैं। और फिर सब क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा बाहर तक का सब करी आई, फिर उसके बाद भी अभी नहाई हूँ। और अभी बज रहे हैं 9, पूरे सही 9 बज चुके हैं। और आज मुझे कोई पूजा करनी नहीं है, क्योंकि वैसे वाले दिन चल रहा है तो पूजा मुझे करनी नहीं है। 9 बज चुके हैं, अब मैं अपने लिए बस चाय बना रही हूँ, कपड़े सुखा के आई हूँ। 9 बजे ना देवरानी भी उठ जाती है, तो आज है ना मेरे कपड़े उपड़े रखे हुए थे बाथरूम में, मैंने बोला रुक जा थोड़ी देर, मेरे को कपड़े निकालने दे, मैंने कपड़े सुखा के आई फटाफट फटाफट। और स्वेटर भी नहीं पहना था, बिना ये मतलब इनर वाला पहन कर ही सुखा के आई। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को भी वेट कराना, या किसी को भी मेरे कारण कोई प्रॉब्लम हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करती जब तक वो उठे, मतलब 9 बजे तक मेरे जो बाहर का काम है वो मेरा हो जाए, जिससे मुझे मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, फिर अंदर धीरे धीरे करते रहो अपना, तो ये रहता है। तो अभी बना लेती हूँ चाय, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। एक्चुअली ना आज सुबह से मुझे हिचकी आ रही है, हिचकी, और सही बताऊँ 8:30 बजे से आ रही है। तो मुझे पता है क्या लगा कि ना आप लोग मुझे याद कर रहे हो कि आज नीतू का ब्लॉग कैसे नहीं आया, तो ये सोच करके मतलब पता नहीं आप लोग मुझे याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सोच करके मैं खुद ही अपने आप में खुश हो रही हूँ। अरे वाह, पहली इंसान होगी जो हिचकी आने पे इतनी खुश हो रही है। तो चलिए चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। हर्षित को भी जगाना है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस है। हर्षित बाबू, हर्षित, हम लोग है ना नीचे रजाई लेते हैं, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं, दो चीज करते हैं। और हर्षित तो है ना पता पूरी रात है ना रजाई को फेंकता ही रहेगा। कई बार तो मैं उघड़ी रह जाती हूँ, फिर जब उठती हूँ ना तो मेरे हाथ रह जाता है ठंड के मारे, और फिर मैं इसको गुस्सा भी आती है फिर इसके ऊपर, पता नहीं कैसे सोता है अलग रजाई लिया कर कम से कम जब उठूँ तो मेरे हाथ पाँव तो चलते रहें, तो उघड़ता तो वैसे भी है, उघाड़ देता है, फेंक देता है रजाई को, पता नहीं क्या है, ठंड नहीं लगती कि क्या है। अब उठाऊँ, उसका टाइम हो गया, फिर बनाऊँगी चाय, देर हो गई आज बहुत। हर्षित उठो बेटा, उठ गया, एक ही आवाज में बच्चे को अगर एक ही टाइम पे उठाओ ना रोज रोज, तो फिर वो उठने लग जाता है अपने आप ही। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ भी नहीं था, बीमारी मार नहीं थी, मैं अच्छी खासी थी, पर मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। मतलब कि कई बार होता है ना ऐसे कि नहीं होता है कुछ काम करने का मन, ऐसा लग रहा था बस बैठे रहो। और कल फर्स्ट डे था ना, तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगता है अजीब सा, तो नहीं बनाया। आज सेकंड डे है और मैं चाय बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं चाय। ये रात के बर्तन है, इनके लिए दूध रखती हूँ ना लोटे में, तो फिर इसमें ठंडा हो जाता है, सर्दियाँ है ना, पीते हैं, पता नहीं कब पीते हैं। मैं तो सो जाती हूँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 12-12:30 बजे तक सो जाती हूँ, मेरा ये रहता है। और ना फिर उसके बाद में ये पता नहीं कब उठते हैं, कब दूध गर्म करके पीते हैं, मैं तो रख जाती हूँ, फिर क्या करूँ, इतनी देर तक कैसे जगूँ मैं। कई बार जैसे नींद खुलती है तो फिर कर भी देते हैं गर्म, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली तो ये समझे यही करके पीते हैं गर्म, फिर खुद का दूध। वैसे मैं गर्म करके चीनी वीनी मिला करके फिर रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती, चीनी मिला करके फिर रखती हूँ। बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, चाय की जरूरत है अभी इस समय।
चाय वगैरह पी ली थी और हस्बैंड जी भी चले गए हैं नाश्ता करके। अभी मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे मेथी कट कर ली है धो करके और साथ में आलू कट कर लिए हैं। जो जो तैयारी की ज़रूरत होती है वो सब कर ली है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं मेथी आलू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। मैं तो काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में मेथी आलू की सब्ज़ी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये तो मोस्ट ऑफ द सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी है जो हमारे घर में बनती रहती है आए दिन। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने जीरा डाला, हींग डाल दीजिए अगर है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्याज और जीरे के साथ में एक सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। उसके बाद में प्याज और हरी मिर्ची डाली, साथ में ना अदरक डाल दी थी कूट करके, आप है ना कस के भी डाल सकते हो। उसके बाद में मसाले डालूँगी, बेसिक मसाले डालती हूँ, ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर को ऐड कर देती हूँ, कर दिया है मैंने। और उसके बाद में इनको अच्छे से भून लूँगी मसालों को, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद में मैं आलूओं को ऐड कर दूँगी और आलूओं को मसाले के साथ में अच्छे से भून लूँगी। थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, अच्छा सही रहता है भुनाई कर लो तो। फिर उसके बाद में ना मसालों के साथ में जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो इसके अंदर मैं मेथी ऐड कर दूंगी। मेथी जो है मैंने कट करके पहले से ही रखी हुई है, और मेथी को है ना जब भी आप बनाओ ना उसी समय ही कट करनी चाहिए, अदरवाइज मेथी जो होती है ना वो कड़वी हो जाती है। इसलिए कभी भी है ना मेथी को साफ़ करके रख लो, लेकिन है ना कट नहीं करनी चाहिए। कट तभी करनी चाहिए जब आप सब्ज़ी बनाने वाले हों, तो मेथी की सब्ज़ी जो है वो कभी भी कड़वी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने मेथी को है ना डाल दिया है और मेथी को भी इसके अंदर मिक्स कर दूँगी और साथ के साथ में नमक भी डाल दूंगी। तो नमक अब अंदाजे से डालेगा, क्योंकि मेथी है ना दिखने में इतनी सारी सी दिखती है, लेकिन बाद में ना जब जो उसका है ना पानी होता है वो रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद में ये ना बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। इसलिए सोच समझ के ही नमक को ऐड करना चाहिए, या तो फिर आप एक बार थोड़ा सा ढक करके पका लीजिए फिर उसके बाद में नमक डालिए, और अगर अंदाजा है तो आप इसी समय डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाल दिया है। और उसके बाद में बस इसको ढक करके और कुक होने दूंगी, और बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि नीचे से लगे नहीं, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है ना इसलिए। तो बीच बीच में इसको हटा करके और देखती रहूँगी, चेक करती रहूँगी कि नीचे से लगे नहीं, और आलू को भी देख लूँगी कि आलू जो है वो हो गए क्या। और एक आलू तोड़कर नहीं, दो तीन आलू तोड़ करके देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है एक आलू तो हो जाता है लेकिन दूसरे आलू नहीं हुए होते हैं। तो यहाँ पर अभी आलू थोड़े से नहीं हुए हैं और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी था, तो उसी पानी के अंदर ये सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आलू भी हो गए, और यहाँ पर देखिए कढ़ाई ने ना ऑयल भी छोड़ दिया, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो बस इस समय ये सब्ज़ी जो है बन करके तैयार हो गई है, गरम मसाला और खटाई डाल करके, खटाई यानी कि अमचूर पाउडर डाल करके इस सब्ज़ी को जो है यहीं पर ही विराम देंगे, मतलब बन चुकी है ये सब्ज़ी। बस इसको अब इस तरह से मिला करके अच्छे से और ढक करके रख दूँगी। तो इसी तरह से बनाती हूँ मैं हमेशा सब्ज़ी ये आलू मेथी की। तो कई बार ये होता है कि प्याज को अवॉइड करती हूँ, और कई बार ये होता है कि प्याज डाल भी देती हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कभी कभी मटर भी आप डाल सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। और साथ में ना ये रख रही हूँ मलाई मेथी मटर की सब्ज़ी जो मैंने कल बनाई थी, तो उसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि ये एक सब्ज़ी से कभी भी खाना नहीं खाते हैं, इनकी आदत ही है। तो इसलिए मैंने अचार भी डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने प्याज भी कट, इसी के साथ में मैं थोड़ा सा ना अचार भी रख दूँगी गोभी गाजर का, जो मैंने बनाया था वही अचार, तो वो रख दिया है। और रोटियाँ मैं गर्मा गर्म सेक रही हूँ तो उनको भी रख दूँगी। हो चुकी है दोस्तों, और शाम की चाय मैंने पी ली है, आरती वगैरह भी हम लोगों ने कर ली है, खाना वगैरह सबका हो गया है। अब रात का खाना बनाएंगे, तो देखेंगे रात में क्या बनाएंगे। हो सकेगा तो शायद मैं दलिया बनाऊं, क्योंकि कुछ भी बनाने का है ना मन नहीं कर रहा है ठंड के मारे। किस किस के यहाँ बहुत कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है बताना जरूर दोस्तों। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आज सुबह तो इतनी बारिश हो रही थी और पूरे दिन में इतनी तेज़ हवा चली है ना, मैं क्या बताऊँ, पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कपड़े सारे सूख गए, तो ये अच्छा था। और अभी ना दो दिन बाद, मतलब आज का दिन छोड़ के कल का दिन छोड़ के परसों बहुत ही स्पेशल वाला दिन आने वाला है, तो उसकी तैयारियां करनी है। कल यहाँ से क्लीनिंग एंड ऑल करूँगी, पूरा ये लिविंग रूम जो है उसको साफ करूँगी। तो अभी यहाँ से ये देखिए हर्षित ने ये वाली ड्रॉअर है ना, हर्षित का सामान रखा रहता है बुक्स वगैरह, तो वो हटा देता है। तो कल यहाँ से पूरा ये लिविंग रूम साफ़ करूँगी और बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, प्रिपरेशन एंड ऑल करनी है। और क्या है स्पेशल डे, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं और आप गेस कीजिएगा कि क्या है कल। कि मैं ना आप लोगों के मतलब ऐसे बोल रही हूँ कि ना स्पेशल डे,
तो आप लोग गैस कीजिएगा, और कल मैं वैसे बता दूंगी परसों क्या है, तो फिर भी आप लोग गैस कीजिएगा। मैं देखती हूँ कि आप लोगों को कितना याद है कि परसों क्या है। अच्छा चलिए, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रॉबिनीतू फैमिली का एक हिस्सा बन जाइएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और आने वाले 2 दिन के जो वीडियोज़ हैं उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कल आएगा जो वीडियो, कल तो ये आएगा ये वाला, और परसों जो आएगा वो भी आ जाएगा, लेकिन उसके अगले दिन वाला शायद मैं उसके अगले दिन डालूं, क्योंकि मुझे टाइम ना मिल पाया एडिटिंग का। और देखते हैं, अगर मिल गया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी डालने का। और आप लोग गैस कीजिएगा ज़रूर से कि ना ऐसा क्या है जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हो रही हूँ। हर्षित और मतलब हम सभी हो रहे हैं एक्साइटेड, बताइएगा आप। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।